अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बाकी, आप देख रहे हैं एबी क्वेटा रेसिपी। नाजरीन, आज हमने बनाना है जर्दा चावल। जर्दा चावल कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ ऐड होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अब नाजरीन, सबसे पहले हमने डालना है 1 चम्मच घी। हमने 1 किलो चावल लिया है, उसको 1 चम्मच घी फुल करके हमने ऐड किया। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद हमने ऐड करना है चीनी। उसके बाद हमने ऐड करना है 1 पाव चीनी। उसके बाद हमने थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है, 2 चम्मच। नाजरीन, अब चीनी जो है ना पानी में मेल्ट हो गया। अब हम इसमें अभी हम इसको साइड पे करके अभी हमने चावल उबालना है। अब हम इसको उतार के साइड पे करते हैं। इसके लिए अब हम इसके नाजरीन ये देखो शीरा बन गया जर्दे के लिए। अब हमने इसको साइड पे करना है, दूसरी फ्राई पैन पे हमने पानी डालना है, वो रखना है। नाजरीन, ये हमने 1.5 लीटर पानी लिया है 1 किलो चावल के लिए, क्योंकि चावल का फैलाव ज़्यादा होता है, वो पानी ज़्यादा ज़रूरत होता है। अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाला। हमने 3 दाने बादियान फूल ऐड किया और 2 पत्ते तेज़पत्ता और 3 बड़े इलायची। उसके बाद हमने 6 सब्ज़ इलायची ऐड करना है और ये 7 से 8 लौंग है। उसके बाद ये हैं 2 दाने दालचीनी, ये हमने ऐड करना है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखने हैं 2 मिनट के लिए, ताकि पानी उबल जाए। अब नाजरीन, पानी को जोश आ गया, अभी हमने इसका ढक्कन उतारना है। माशाल्लाह, अब से इतना खुशबू आ रहा है, जब ये चावल तैयार होगा तो क्या बात होगा। ये देखें नाजरीन, अभी हम इसमें चावल ऐड करते हैं। चावल हमने पहले भिगोया था पानी में 2 घंटे पहले, क्योंकि सेले को पहले भिगोना पड़ता है, बाद में आपने अगर उबालना है या दम पे रखना है वो बाद में आपने करना है। ये हमने पहले 2 घंटे पहले भिगोया था पानी में। नाजरीन, हमने चावल ऐड कर दिए। ये हमने पहले 2 घंटे पहले भिगोया था, क्योंकि सेला जो है ना थोड़ा सख्त होता है, उसको आपने 2 घंटे पहले भिगोना है। इसके बाद हमने दोबारा ढक्कन रखना है, ताकि चावल को अच्छी तरह दम लग जाए और जोश आ जाए। तो उसके बाद हम आपको सारा डिटेल्स आपको बताते हैं क्या पोजीशन होता है। ये देखो नाजरीन, चावल को आहिस्ता आहिस्ता उबाला आ गया। सेले चावल, कोई भी चावल हो ना, उसको तेज़ी से हिलाना नहीं है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है और उसको तेज़ आग पे भी नहीं रखना है, क्योंकि वो फिर उसका लेंथ ज़्यादा बढ़ता नहीं है। इसको हल्के आग पे आपने रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता उबलते जाए, तो उसके साथ साथ इनके लेंथ भी बढ़ जाता है, चावल की खूबसूरती भी आ जाता है। ये देखो नाजरीन, चावल 80% पक गया। तो अभी हमने इसको छान करना है। छान करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ हम डालते हैं, वो हम आपको बाद में दिखाते हैं। ये देखो नाजरीन, अब हमने दोबारा वही कढ़ाई रख दिया जिसमें हमने चीनी वाला शीरा बनाया था। उसमें हमने घी ऐड किया और फिर हमने चीनी डाल के उसको मेल्ट किया था, उसका शीरा बना दिया। अब ये हमने चावल उबाल के रखा हुआ। ये देखो नाजरीन, हमारा सेला इस तरीके से बन चुका है, कितने खूबसूरत और शानदार एक एक करके बना हुआ। ये देखो
बिल्कुल साबत हैं, टूटा हुआ पीस बिल्कुल नहीं है। अब नाजरीन हम इसमें ऐड करते हैं चावल। चावल हमने बिल्कुल पकाया नहीं है, थोड़ा सा इसमें कसर है, क्योंकि वो जो हमने ये चीनी का शीरा बनाया था वो हमने इसमें, अभी हम इसमें चावल ऐड करते हैं तो ताकि फिर वो चीनी वाला पानी इसमें अच्छा जायका लेके आए, तो वो पानी भी खुश करेगा और चावल भी तैयार हो जाएगा साथ साथ में। नाजरीन अब हमने इसमें चावल लेवल पे कर दिया, अभी हम इसमें ऐड करते हैं कलर। कलर कैसे ऐड करना है, या तो आप इसमें थोड़ा सा उबला हुआ चावल डाल दो, वो कलर भी इसमें मिक्स हो जाता है, वो भी कोई इशू नहीं है। ऊपर से थोड़ा वो कलर वाला चावल इसके ऊपर डाल दो, वो सारा मिक्स कर दो तो कलर वाला बन जाए, या तो आप इस तरीके से कर लो, ये देखो। और उसके बाद हमने थोड़ा सा दूध लिया हुआ, दूध भी ऐड करना है। दूध किस लिए, दूध इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो चावल में चीनी जो जिस चीज़ में भी ऐड हो जाए ना, वो थोड़ा सा हार्ड पैदा करते हैं ना, हर चीज़ को थोड़ा सा हार्ड करते हैं। अभी हम थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं, कलर के ऊपर नहीं डालना है, ये साइडों पर ऐसे ऐसे करके डालना है ताकि चावलों के नीचे तक ये दूध चला जाए, वो नरमी पैदा करते हैं। ये देखो, आपने ऊपर नहीं ऐड करना क्योंकि फिर वो कलर जो है ना वो सारा मिक्स हो जाता है, मिक्स आपने नहीं करना, या आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने मरबा ऐड करना है, उसके बाद हम ऐड करते हैं ड्राई फ्रूट, वो हाँ आप जो मर्जी ऐड कर लो, नहीं हो तो कोई भी नहीं है, ना ऐड करो तो कोई इशू नहीं है, हम अपनी मर्जी से ये ऐड करते हैं। जिसके पास नहीं हो तो वो ऐसी तरीके से सिर्फ चावल भी बनाओ, इंशाल्लाह वो भी बहुत मज़े का बनता है। और ये साथ साथ में हमने जो कोपरा लिया था वो भी ऐड किया। नाजरीन ये हमने किशमिश ऐड करना है क्योंकि हमने पहले से पानी में रखा हुआ था, वो हमने ऐड किया एंड में। अब हम इसको लगाना है दम। दम किस तरीके से लगाना है अभी हम आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। अभी हमने तवा रखना है पहले आग के ऊपर, क्योंकि जो हम चावल दम करते हैं उसके नीचे कोई ना कोई चीज़ लाजमी होना चाहिए, जो गैस होता है ना गैस, ये जो है ना आग की तरह नहीं है, दूसरे आग की तरह कोयले की तरह, वो बाद में कम हो जाता है क्योंकि जब कोयला जलता है तो वो कम होता जाता है, तो गैस कम नहीं होता है, गैस आप अपनी लिमिट पर रखते हो। तो आपने पहले तवा रखना है, उसके बाद जो जिस चीज़ में आपने चावल ऐड किया है वो रखना है ताकि इसकी दम अच्छी तरीके से हो जाए। ये हमने अभी तवा नीचे रख दिया, अभी चावल भी ऊपर रख दिया, अभी हम इसका ढक्कन बंद करने हैं, इसको हमने देना है 20 मिनट दम। ये देखो नाजरीन सब चीज़ लेवल पे आ गया, अभी हमने इसके ऊपर ढक्कन रखना है, ढक्कन कितना 20 मिनट, मिलते हैं 20 मिनट के बाद। अब नाजरीन चावल की टेम्पूरा हो चुका है, इसको अच्छी तरह दम लग गया, ये देखो इतना गर्म है कि ऊपर ढक्कन के ऊपर भी हाथ नहीं रखा जाता है, तो यहाँ तक गर्म हो गया। अब हमने सबसे पहले चूल्हा बंद करना है, चूल्हा बंद करके फिर हम आपको सारा डिटेल से बताते हैं क्या पोजीशन हुआ चावलों की। ये देखो नाजरीन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत और कितना शानदार चावल तैयार हैं नाजरीन, यहाँ तक खुशबू है कि इंशाल्लाह आपके साथ अगर दूर भी हमसाया हो तो इंशाल्लाह वो कहेंगे कि ये चावल कहाँ तैयार हुआ है, इतनी ज़्यादा खुशबूदार चावल हैं।
तो नाजरीन अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको मिक्स कैसे करना है। मिक्स करने के भी अलग अलग तरीका होता है, हर कोई अपना तरीका दिखाते हैं। हमारा तरीका यह है कि आपने सबसे पहले ऐसे चावल मिक्स करना है, ये देखो। ये देखो नाजरीन, चावल बिल्कुल दानेदार, हर दाना अलग अलग पड़ा हुआ। ये देखो नाजरीन, मैं थोड़ा सा आपको चम्मच के ऊपर दिखाता हूँ। ये देखो नाजरीन, चावलों की लेंथ चेक करो, माशाल्लाह बड़े बहुत लेंथ आया हुआ चावलों की। ये देखो तो ये देखो, तो नाजरीन ये है हमारा जर्दा चावल। ये देखो कितना शानदार रेसिपी है और कितना शानदार चावल तैयार हो चुका है। ये देखो नाजरीन, इंशाल्लाह हर कोई खाएगा तो इंशाल्लाह याद करेगा। ये देखो खुशबू से इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार चावल तैयार हुआ है। नाजरीन ये था हमारा आज का ज़रदा चावल की रेसिपी। नाजरीन अगर आपको रेसिपी पसंद आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा वीडियो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे रेसिपी हैं, और साथ साथ में रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर भी करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें।